हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, आज जो इस वक्त मेरे सामने जो गाड़ी खड़ी है ना, ये मैं कहूँ तो पूरे इंडिया में इसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, ये है मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली मारुति सुजुकी इको, वो भी सीएनजी वेरिएंट में। अभी इसमें क्या है ना कि ये एक वैन सेगमेंट का कार है, अब इसका कोई भी दूर दूर तक कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो ये पूरा अकेला जो है मार्केट में लीड कर रहा है और राज कर रहा है। और क्यों ये राज कर रहा है, क्या खास बात है इसमें, क्या क्या चीज़ आपको मिलने वाला है, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो है इको है, इससे पहले जो लॉन्च हुआ था वो था वर्सा। ये वर्सा का जस्ट अपडेटेड वर्जन आप कह सकते हैं। और इसका सेल अब और भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब जो इससे पहले जो ओमनी वैन आती थी वो डिसकंटिन्यू हो गया है। अब क्या है कि इतनी बड़ी वैन है, आपको अच्छा खासा फीचर्स भी मिलता है जो कि और भी कंपनी ऑफर नहीं कर रही है। इसके वजह से ये जो गाड़ी है सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी स्कूल वैन के तौर पे। आपको इसका सेम एक एम्बुलेंस का भी रूप मिलेगा, और साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा अगर कोई मीडियम फैमिली है, 7-8 लोग बैठना चाहते हैं, तो इसमें आपको बेसिकली उसके लिए भी ये गाड़ी काफ़ी यूज़ होता है। और इसमें आपको दो वेरिएंट मिलता है बेसिकली देखना चाहे तो, 5-सीटर और 7-सीटर। ठीक है, ये जो अभी वेरिएंट आप सामने देख रही है 5-सीटर, वो भी सीएनजी वेरिएंट में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं इसकी की से स्टार्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल सा इसमें आपको कीज मिलेगा। इसमें कुछ भी वैसा रिमोट वगैरह नहीं है, दोनों ही सिमिलर हैं। और कुछ फ्रंट प्रोफाइल आपको इस टाइप का मिलेगा, काफी हाइट है आप देख सकते हैं गाड़ी में। और यहां पे देखिए सुजुकी का अगेन एक लोगो देखने को मिलेगा जो कि अगेन क्रोम में है। और यहां पे देखेंगे तो आप हैलोजन सेटअप में इसका हेडलाइट का यूनिट देखने को मिल जाती है। और एक चीज मैं बताऊं ना, इसमें काफी कमाल का हेडलाइट का थ्रो है। जब आप नाइट में इस गाड़ी को देखेंगे तो काफी कमाल का है। यहां पे फोगलाइट के लिए स्पेस दिया गया है, बट फोगलाइट इसमें नहीं आता है, कोई भी वेरिएंट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतना बड़ा आपको कुछ ब्लैक फिनिश में आप देख सकते हैं ग्रिल इसका है। यहाँ पे लाइसेंस प्लेट के लिए स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपको क्या है, दो वाइपर एंड वॉशर मिलता है। तो चलिए चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल की ओर। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपका साइड प्रोफाइल देखने को मिलेगी। सबसे पहले जो नजर जाएगा ना, इसकी व्हील पे जाएंगे। अभी मैं इसकी व्हील की मैं बात करूँ तो इसमें आपको एलॉयस वगैरह तो नहीं आता, इसमें आपको नॉर्मल स्टील रिम वाली व्हील आती है। और टायर साइजिंग की मैं अगर बात करूँ तो इसमें आपको 155R13 13 इंच का इसमें आपको टायर देखने को मिल जाती है। अगेन देख सकते हैं टायर साइज थोड़ा सा बड़ा है। और यहाँ पे फेंटर में ही आपको एक टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको ORVM आपको मैनुअल मिलेगा, इसमें कुछ भी वैसा लाइट वगैरह इंडिकेटर वगैरह नहीं आता है, नॉर्मल है। और यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपको ब्लैक में डोर हैंडल्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक लॉक के लिए स्पेस दिया गया है। और यहाँ पे इसका जो है फ्यूल के लिए स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आप इसका पेट्रोल फिल कर सकते हैं। पेट्रोल लगभग 37 से 40 लीटर के आसपास हो सकता है। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, वहाँ पे एक्यूरेट में आपको लिख दिया गया है। और यहाँ पे कुछ इस टाइप का डोर है मिडिल वाला में। और एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3 तीन बड़ा बड़ा विंडो है। ये वाला विंडो ओपन नहीं होता है, बट ये दोनों विंडो ही ओपन हो सकती है और काफ़ी बड़ा है। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो लाइट है ना, लाइट एंटर बहुत अच्छे से होता है। आपको अंदर में लाइट से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं इसके रियर साइड में। तो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है और जो रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। तो चलिए फटाफट से इसके रियर साइड में आते हैं, वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या देखने को मिलेगा। तो ये है इसका रियर प्रोफाइल। रियर प्रोफाइल में सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक CNG की लोगो मिलेगा। और यहाँ पे देखिए हाई माउंट स्टॉप लाइट देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे सुजुकी की एक लोगो देखने को मिलेगा। यहाँ पे इको की बैजिंग। और ये इसका रियर का टेल लाइट है। टेल लाइट की सेटअप की मैं बात करूँ तो इसमें आपको सारा ही हैलोजन में देखने को मिलेगी यहाँ पे इसका सेटअप। और यहाँ पे इसका बूट को आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और एक सबसे कमाल की बात क्या है ना कि इसमें भी आपको अब रियर पार्किंग सेंसर मिल गया है। तो अगर आपको रिवर्स करना है कार को तो आपको एक बीप का आवाज आएगा, जिसके कारण थोड़ा सा रिवर्स में कमांड बढ़ जाता है। इसका कुछ बैक का बम्पर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में है। और यहाँ पे इसका साइलेंसर है। और जो इसकी स्पेयर व्हील है जस्ट इसके नीचे यहाँ पे प्लेस किया गया है। और जैसे कि ये आप देख रहे ना, ये है इसका डिफरेंशियल। चूंकि ये रियर व्हील ड्राइव कार है तो जो इसकी पावर है वो रियर की व्हील पे आती है, तो जो डिफरेंशियल वो यहाँ पे है, देख सकते हैं आप। चलिए इसका बूट को ओपन करके आपको दिखाते हैं कि स्पेस आपको कितना मिलता है। चूंकि ये 5-सीटर वेरिएंट है, इसमें आपको 7-सीटर भी मिलता है, तो यहाँ पे कुछ इतना ज़्यादा आपको स्पेस देखने को मिल जाती है। काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें स्पेस मिलेगा। आप चाहे तो इसमें अलग से अगर आप दो सीट बैठाएं बेबी सीट, तो वो भी लगा सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं बेसिकली, देख सकते हैं। और जो CNG टैंक है वो यहाँ पे रखा गया है, काफ़ी अच्छे से इसको कवर किया गया है बेसिकली, देख सकते हैं। किसी तरह से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ पे अच्छा खासा जो है बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर मैं बात करूँ इसकी CNG टैंक की कैपेसिटी का, तो इसमें आपको 65 लीटर वाटर कैपेसिटी के साथ में इसमें आपको CNG टैंक मिल जाती है, जो कि अगेन अच्छा खासा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे तरीके से प्लेस किया गया है। और यहाँ पे इसका CNG फिलिंग के लिए स्पेस दिया गया है। ये कैप ओपन करने के बाद आप यहाँ से फिल करा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसके इंटीरियर को एक्सप्लोर करने के लिए।
तो कुछ इस टाइप का इसका डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। ये अभी हाल ही में अपडेट हुआ है इसका डैशबोर्ड और थोड़ा सा प्रीमियमनेस बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डैशबोर्ड का लुक चेंज हो गया है, बेसिकली एसी का जो नॉब है ये सारा कुछ चेंज हो गया है। प्रीवियस वाले अगर आप 2-3 साल पहले के वेरियंट में देखेंगे तो वहाँ पे अलग सा नॉब आता था, बट यहाँ पे सारा कुछ थोड़ा सा चेंज किया गया है। और सबसे पहले यहाँ पे नोटिस करेंगे ये इसका हैजार्ड लाइट का बटन है, यहाँ पे इसका एसी वेंट्स दिया गया है और यहाँ पे इसमें आपको मैनुअल एसी कंट्रोलर्स देखने को मिल जाती है, तो उसके बटन्स और नॉब आपको यहाँ पे है। इस वाले वेरियंट में इनफैक्ट इको के किसी वेरिएंट में आपको म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल होकर नहीं आता, बट आप इसको शोरूम से या फिर आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपको एक पावर सॉकेट दिया गया है जो कि अगेन बहुत ही अच्छी जगह में प्लेस किया गया है। जैसे कि ये मैनुअल कार है तो इसमें आपको 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स देखने को मिल जाती है, डिसेंट सा गियरबॉक्स है। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको सेंटर कंसोल में स्पेस दिया गया, आप अपने फोन वगैरह वॉलेट वगैरह को रख सकते हैं और यहाँ पे आपको इसका मैनुअल पार्किंग ब्रेक मिल जाती है और इसमें आपको थोड़ा सा इतना बड़ा ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिल जाती है जो कि अगेन डिसेंट साइज सा है और कुछ इस टाइप का आपको डुअल टोन में इसका डैशबोर्ड देखने को मिल जाती है। चलिए थोड़ा सा मैं इसकी मीटर को कंसोल को दिखा दूं, तो यहाँ पे आपको अब फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपको दोनों ही तरफ पेट्रोल प्लस सीएनजी की आपको फ्यूल का लेवल देखने को मिल जाती है। साथ साथ इसमें आप देख सकते हैं ट्रिप मीटर वगैरह बहुत सारा चीज़ इसमें भी शो होता है और साथ साथ जो इसका स्पीडोमीटर वो आपको फुल्ली डिजिटल में है और यहाँ पे भी कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बहुत सारे वार्निंग लाइट्स वगैरह। और बात करूँ इसकी स्टेयरिंग व्हील में तो इसमें आपको हाइड्रोलिक स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाती है। स्टेयरिंग व्हील काफ़ी लाइट है नॉर्मल गाड़ियों के मुकाबले में और कमांड बहुत अच्छा आता है बेसिकली इसमें। और इस साइड में आपको वाइपर एंड वॉशर की नॉब्स देखने को मिल जाती है और इस साइड में आपको हेडलाइट के कुछ नॉब्स देखने को मिल जाती है। ये है कुछ इसका मिडिल रो, यहाँ पे आपको बेंच टाइप का सीट मिलेगा और सीटिंग की बात करो तो 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है जैसे कि आप देख सकते हैं। और सभी के लिए यहाँ पे सेपरेट जो है सीट बेल्ट भी दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको लेग रूम वगैरह भी अच्छा मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं आराम से यहाँ पे बैठ गया हूँ, मुझे जो हेड रूम वो भी अच्छा मिल रहा है और साथ साथ मुझे जो लेग रूम है वो भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। तो इको में स्पेस से रिलेटेड कोई भी इशू ना पहले भी कभी हुआ ना अभी भी कुछ हो रहा है, आप जैसे कि सामने देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस जो है इसका केबिन मिलता है। इंजन की मैं बात करूँ तो इसमें आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इनलाइन पेट्रोल इंजन मिलता है और जो प्रोड्यूस करता है सीएनजी में 71 बीएचपी पावर 6000 आरपीएम पे और 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क 3000 आरपीएम पे। डायमेंशन की मैं बात करूँ तो इसमें आपको 3675 mm की लेंथ मिल जाती है। विड्थ की बात करूँ तो इसमें आपको 1475 mm की विड्थ मिल जाती है और हाइट इस गाड़ी का 1825 mm का और व्हीलबेस की मैं बात करूँ तो इसमें आपको 2350 mm की व्हीलबेस मिल जाती है। तो दोस्तों आप इस पर्टिकुलर मॉडल का प्राइसिंग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, सारा कुछ उसमें आपको मेंशन किया हूँ। तो मैं इस शोरूम का एड्रेस आपको बता देना चाहता हूँ, मैं इस वक्त खड़ा हूँ हिंदुस्तान ऑटो एजेंसी जो कि है सेक्टर 4 बोकारो झारखंड में। अगर आपको मारुति सुजुकी की इको या फिर मारुति सुजुकी की किसी भी गाड़ी से कोई भी इंक्वायरी हो या फिर किसी भी गाड़ी को परचेज करना हो तो आप वहाँ पर जाके बेहिचक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने डील को बुक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की खास मुलाकात मारुति सुजुकी इको सीएनजी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आप भी ऑटो मोबाइल की दुनिया में अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल एक्सप्लोरेटर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए हर नई और चर्चित गाड़ियों का डिटेल रिव्यू जो आपकी अगली गाड़ी को पसंद करने में काफी हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर करेंगे, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।